गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो कविता मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ यह एक डायलॉग के रूप में है, एक संवाद है जो एक माँ और बेटी के बीच में हो रहा है। इसका टाइटल है द विलेज सॉन्ग, मतलब ग्राम गीत, जिसे कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। लिखा है, हनी चाइल्ड वीदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड मतलब प्रिय बच्ची, प्रिय बच्ची मतलब ओ मेरी प्रिय बच्ची। माँ अपनी बच्ची से कहती है कि ओ मेरी प्रिय बच्ची। वीदर मतलब किधर, आर यू गोइंग तुम जा रही हो, मेरी प्रिय बच्ची तुम किधर जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोविंग। वुड यू कास्ट, क्या तुम कास्ट मतलब फेंक दोगी, योर ज्वेल्स मतलब अपने आभूषण को, अपने धन दौलत को, ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोविंग। ब्रिजेस का मतलब होता है खुशबूदार हवा, ब्लोइंग मतलब बहते हुए। क्या तुम अपने सारे गहनों को, सारे आभूषण को बहते हुए खुशबूदार हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को, लीव मतलब छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने गोल्डन ग्रेन मतलब स्वर्णिम दाने यानी कि स्वर्णिम गेहूं के दाने खिला करके तुम्हारा पालन पोषण किया। वुड यू ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुखी करना। क्या तुम दुखी कर दोगी द लवर मतलब उस प्रेमी को, हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, जो तुमसे वेड मतलब शादी करने के लिए, राइडिंग मतलब घोड़े पर सवार होकर के, फोर्थ मतलब आगे आ रहा है, यानी कि क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी कर दोगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। दूसरे पैसेज में लड़की अपने माँ से कहती है कि मदर माइन हे मेरी प्यारी माँ टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगली वन में जा रही हूँ। वाइल्ड मतलब जंगली, फॉरेस्ट मतलब वन, मैं जंगली वन में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोविंग, जहां पर चंपा बॉक्स, बॉक्स मतलब होता है टहनिया, जहां पर चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियां, बर्ड मतलब कली, चंपा की कलियां ब्लोइंग मतलब खिली हुई हैं, मतलब मैं उस वन में जा रही हूं जहां चंपा के टहनियों पर चंपा की कलियां यानी कि चंपा के फूल खिले हुए हैं। टू द क्वाइल हॉन्टेड, क्वाइल मतलब कोयल, हॉन्टेड मतलब कुंकती है, जहां पे कोयल कुंकती है। रिवर आइसल्स, रिवर आइसल्स का मतलब होता है टापू, जहां पे नदी के टापू में कोयल कुंकती है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहां पे कमल के फूल और कुमुदनी, ग्लिस्टेन मतलब चमकते हैं, मतलब हे मेरी माँ मैं उस नदी के टापू पर जा रही हूँ जहाँ आसपास कमल और कमलिनी चमकते रहते हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉग आर कॉलिंग मी, वॉइसेस मतलब आवाजें, ऑफ द फेरी, फेरी मतलब परी का, फॉग मतलब होता है समूह, परियों के समूह यानी कि जहाँ पे परियों की आवाजें मुझे बुला रही है, कॉलिंग मी मतलब मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, हे मेरी माँ तुम सुनो, परियां मुझे शीघ्र आने के लिए पुकार रही हैं। अब तीसरे स्टेंजा में फिर उसकी माँ अपनी लड़की से वार्तालाप करते हुए कहती है, हनी चाइल्ड हे मेरी प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, संसार आनंद से भरपूर है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स मतलब जो विवाह के गीत होते हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनको पालने में झुलाते हैं या लोरी गा करके सुनाते हैं तो उन्हें कहते हैं क्रेडल सॉन्ग्स।
एंड सैंडल्स सेंटेड लेजर, और चंदन के सेंटेड मतलब खुशबू, चंदन की खुशबू सा लेजर मतलब जहाँ पे आराम है विश्राम है। उसकी माँ अपनी लड़की को समझाते हुए कहती है कि यह जो संसार है वह खुशियों से भरा हुआ है, जिसमें विवाह के गीत हैं और लोरी है और खुशबूदार चंदन के जैसे विश्राम है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे जो ब्राइडल रोब्स यानी कि जो दुल्हन के कपड़े हैं आर इन द लूम, वह लूम में है यानी कि करघे में है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोविंग, जो चांदी के समान और केसरिया रंग के समान ग्लोइंग मतलब चमक रहे हैं, यानी कि जो तुम्हारे दुल्हन वाले कपड़े हैं वह करघे में बुने जा रहे हैं और वह चांदी और केसरिया रंग की तरह चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे जो ब्राइडल केक्स मतलब शादी के लिए जो केक्स मतलब मिठाइयां बन रही हैं, आर ऑन द हर्थ मतलब वो हर्थ मतलब चूल्हे, वह चूल्हे पर है यानी कि तुम्हारे शादी की मिठाइयां बन रही हैं। ओ फिदर आर यू गोइंग, अरे मेरी प्यारी बच्ची तुम किधर जा रही हो। लड़की अपनी माँ को उत्तर देती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, जो शादी के गीत हैं, जो विवाह के गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और जो लोरियां हैं, हैव केडेंसेज ऑफ सारो, उसमें से मुझे दुख की, सारो मतलब दुख की, केडेंसेज मतलब ताल आती है, उसमें से मुझे दुख की ताल आती है, यानी कि जो शादी के गीत हैं या जो लोरियां हैं वह मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, आज जो सन मतलब सूर्य की, लाफ्टर मतलब हंसी है, आज जो सूर्य की हंसी है, द वाइंड ऑफ डे टुमारो, वह कल आने वाले कल के मौत की हवा है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, अंतिम दो लाइन में कहती है कि फार स्वीटर साउंड मतलब बहुत दूर जंगल में मुझे स्वीटर मतलब बहुत मीठी साउंड मतलब आवाज सुनाई देती है। द फॉरेस्ट नोट्स मतलब उसे ध्यान से सुनो माँ, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पे जंगली स्ट्रीम्स मतलब धाराएं, जो पानी की झरने होते हैं धाराएं होती हैं, आर फॉलिंग मतलब गिर रहे हैं, यानी कि जंगलों से मुझे वहां की धाराओं या झरनों की आवाजें सुनाई देती हैं जो मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, अब मैं नहीं रुक सकती हूँ, द फेरी फॉक आर कॉलिंग, जो परियों का समूह है, जो परियों की आवाजें हैं वो मुझे बुला रही है, यानी कि मुझे परियां जो है वो पुकार रही हैं। इस कविता से यही हमें सीख मिलती है कि जिस प्रकार से हम बच्चियों को शादी विवाह या अन्य बंधनों में बांध देते हैं, उन्हें हम उतनी स्वतंत्रता नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए, हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो इस पोयम के माध्यम से सरोजनी नायडू ने यह दिखाने की कोशिश की है कि एक लड़की को जब हम किसी बंधन में बांधते हैं तो वह स्वतंत्र होना चाहती है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि लड़की जंगल में जाना चाहती है, जंगल में जाने का मतलब कि जहां वह स्वतंत्र रह सके वह वहीं जाना चाहती है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि उसको एक न एक बंधन में बांधते रहते हैं। तो बहुत ही बेहतर पोयम था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर से समझ में आ गया होगा।